नमस्कार, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरी चैनल ममता फ्लेवर में। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि थायराइड किन कारणों से होता है, क्यों होता है, इसके क्या लक्षण हैं और हम इनसे कैसे बचा जा सकता है, किस तरीके से हम थायराइड को पूरी तरीके से जड़ से ख़त्म कर सकते हैं और इसमें क्या खाएं क्या ना खाएं। मैं अपनी वीडियो में आपको पूरी जानकारी दूंगी क्योंकि मुझे भी पिछले साल थायराइड की प्रॉब्लम थी, लेकिन कुछ आयुर्वेदिक नुस्खे अपना के और कुछ व्यायाम करके मैंने अपने थायराइड को बिल्कुल ठीक कर लिया है। तो आप भी ज़रूर ये अपनाएं। मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोग के साथ भी ये शेयर कर लूँ। आजकल थायराइड की बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, यहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चों को भी ये प्रॉब्लम शुरू हो जाती है और लेडीज़ को ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। थायराइड गर्दन के निचले हिस्से के बीच में तितली के आकार की एक छोटी सी ग्रंथि होती है जो शरीर के मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करती है। हम जो भी खाते हैं ये ग्रंथि उस भोजन को ऊर्जा में बदलने का काम करती है। इसके साथ ही हृदय, मांसपेशियों, हड्डियों और कोलेस्ट्रॉल को भी प्रभावित करती है। जब ये ग्रंथि हार्मोन्स सही से नहीं बना पाती तो और हार्मोन्स में गड़बड़ी हो जाती है, तभी ये थायराइड की प्रॉब्लम शुरू होती है। थायराइड में वजन बढ़ने के साथ साथ घटता भी है और हार्मोन असंतुलित हो जाते हैं। पुरुषों की तुलना में महिलाओं को थायराइड विकार 10 गुना ज़्यादा होता है। थायराइड हार्मोन शरीर के अंगों के सामान्य कामकाज के लिए ज़रूरी हैं। इन हार्मोन्स में गड़बड़ी के कारण ही थायराइड होता है। जब हार्मोन असंतुलित हो जाते हैं तभी थायराइड की प्रॉब्लम होती है और जिससे कि शरीर को भी बहुत सारा नुकसान होने की संभावना रहती है। इसमें थायराइड ग्रंथि पर्याप्त मात्रा में हार्मोन्स का निर्माण नहीं कर पाती। इसके लक्षण हैं जैसे कि घबराहट होना, चिड़चिड़ापन, पसीना आना, हाथों का कांपना, बालों का झड़ना या पतला होना, मांसपेशियों में कमजोरी हो जाती है, वजन बढ़ जाता है या कभी बहुत ज़्यादा पतले हो जाते हैं, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है, शरीर के जोड़ों में दर्द रहने लग जाता है और पूरे दिन सुस्ती सी बनी रहती है, बहुत वीकनेस सी फील होती है। लेकिन थायराइड का पता कभी कभी बहुत टाइम बाद चलता है। लेकिन आपको इनमें से कुछ भी पता हो तो आप जल्दी से थायराइड का अपना चेकअप करा लें, डॉक्टर की सलाह लें। तो आपको करना ये है कि रात को 1 गिलास पानी में 2 चम्मच सूखा धनिया या इसका पाउडर डाल ले। आप बाज़ार वाला सूखा धनिया ना ले, घर बाज़ार से ही आप साबुत ले आएँ और उसका पाउडर बना के डाल ले और सुबह इस पानी को चाय की तरह उबार कर खाली पेट पी लें और आधे घंटे बाद ही कुछ खाएं। इसके अलावा अंगूठे के नीचे एक पॉइंट होता है, अगर आप इसे दबाएंगे तो देखेंगे कुछ ही दिनों में आपका थायराइड बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और आयुर्वेद में भी बहुत सी ऐसी दवाइयाँ हैं जिससे कि थायराइड जड़ से ख़त्म हो जाता है। आपको अगर थायराइड की प्रॉब्लम है आपको ज़्यादा घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको बहुत सावधानी रखनी है क्योंकि अगर ये ज़्यादा बढ़ जाए, कोई भी प्रॉब्लम हो अगर ज़्यादा बढ़ जाती है तो परेशानी तो देती है। तो इसको बिल्कुल नहीं बढ़ने देना है आपको और शुरू से ही बहुत ध्यान रखना है। जैसे ही आपको थायराइड की प्रॉब्लम हो तो आप ऐसे ही जो मैंने उपाय बताए हैं वो ज़रूर करें। धनिया का पानी ज़रूर पिए, इससे वजन तो कंट्रोल होगा ही और थायराइड से रिलेटेड जो भी और प्रॉब्लम होती है उसमें भी आपको बहुत आराम पड़ेगा। तो देखिए अंगूठे के नीचे जो ये एक्यूप्रेशर पॉइंट है आपको ये दबाना है दोनों हथेलियों में सुबह 5 मिनट। 5-5 मिनट आप सुबह दबा ले दोनों हथेलियों में और 5-5 मिनट शाम को, या दिन में आपको थोड़ा बहुत टाइम मिलता है तो कम से कम 1-1, 2-2 मिनट आप दबा ले। बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि आप लगातार ही दबाते रहें। तो आपको इस तरीके से दबाना है और खाने पीने में भी कुछ आपको चेंज करना है। आपको खट्टी चीज़ें बिल्कुल नहीं खानी है, थायराइड में खट्टी चीज़ें बहुत ख़राब होती है थायराइड के लिए, तो खट्टी चीज़ें बिल्कुल ना खाएं। और नमक आप हमेशा आयोडीन वाला ही इस्तेमाल करें और ज़्यादा तली भुनी चीज़ें भी नहीं खानी चाहिए। खट्टी चीज़ों से आप बिल्कुल परहेज करें तो थायराइड में बहुत ज़्यादा आपको परहेज की भी इतनी ज़रूरत नहीं होती है। और आप अगर बहुत ज़्यादा आपको थायराइड है तो आप एलोपैथिक दवाइयाँ ले रही हैं तो आप उसे एकदम से ना छोड़ें, क्योंकि आयुर्वेदिक डॉक्टर को भी आप दिखाएंगे तो जब तक थायराइड बहुत ज़्यादा होता है तो वो भी आपको छोड़ने से मना करते हैं। लेकिन आप साइड से आयुर्वेदिक इलाज अपना चला सकते हैं और जब आपका थायराइड बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, तो वो खुद ही आपको बता देंगे कि आप एलोपैथिक लेना बंद कर दें। लेकिन जब तक वो ना बोले आप एलोपैथिक दवाई लेते रहे। किसी किसी को बहुत ज़्यादा थायराइड होता है तो एलोपैथिक की दवाई लेना भी ज़रूरी है, लेकिन आप साइड से धनिया का पानी और एक्यूप्रेशर पॉइंट वगैरह ज़रूर दबाएँ। देखेंगे आपको बहुत ज़्यादा आराम पड़ेगा क्योंकि आयुर्वेदिक में इसका जड़ से इलाज है, एलोपैथिक में इसका जड़ से इलाज नहीं है। आपको दवाई हमेशा लेनी ही पड़ती है, ये इसको कंट्रोल कर सकता है लेकिन जड़ से ख़त्म नहीं कर सकता है।
मैंने खुद कम से कम 5-6 महीनों में ही मैंने अपना थायराइड बिल्कुल ठीक कर दिया था। जब मैंने एलोपैथिक वाले को रिपोर्ट दिखाई थी तो उन्हें यकीन ही नहीं हुआ कि ये कैसे ठीक हो गया, क्योंकि एलोपैथिक वाले ज़्यादातर आयुर्वेदिक पर विश्वास नहीं करते हैं। तो लेकिन जब ज़्यादा है तो एलोपैथिक की दवाई भी लेना ज़रूरी है। मुझे थोड़ा शुरुआत थी, हल्का था, इसलिए मैंने एलोपैथिक की दवाई मुझे डॉक्टर ने मना कर दिया था लेने से, तो इससे मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी। तो ये रही मेरी आज की वीडियो, आपको कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलूंगी आपको अगली ही एक ऐसी नई वीडियो के साथ जो आपके बहुत काम की होगी। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।